good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shagri. Nazin, guzishta roz jo manzar-e-aam pe khabar aayi ke army ne aur jo chief of army staff hai unhone corruption mein mulawwis pak fauj ke taqreeban 13 afsaran kaha ja raha hai, kuch 12 quote kar rahe hain, but 13 afsaran jo hai unko bartaraf kiya hai, jabri retire kiya gaya hai, lekin ab kuch cheeze samne is hawale se ye nahi aayi ki kya unko saza bhi mili hai aur kya agar court martial hua hai to conviction bhi hui hai. Kuch tamam cheeze hain, areas jinko highlight nahi kiya gaya hai wo samne nahi aayi, but otherwise यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीन लेफ्टिनेंट जनरल्स इनमें शामिल हैं, एक मेजर जनरल, पांच ब्रिगेडियर, तीन लेफ्टिनेंट कर्नल्स, एक कर्नल, एक मेजर. ये जो लिस्ट सामने आई है और हमने इसी हफ्ते देखा था मंगल के रोज भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, जो पैगाम दिया गया था कि हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, जिसमें नेचुरली हम गेंस देख रहे हैं, हम उसमें कामयाबियाँ देख रहे हैं, लेकिन वो जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक करप्शन के खिलाफ हम जंग ना जीत ले, जब तक करप्शन के इस नासूर को हम जड़ से ना उखाड़ फेंकें. और करप्शन पे ये जो तमाम चीज़ें सामने आई और ये जो पैगाम सामने आया, स्टेटमेंट सामने आई, जिसके बाद बड़ी बातें की गई और फौज पाकिस्तान पे एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ, तमाम सोशल मीडिया पे भरा हुआ था इस बात पे कि जी चैरिटी बिगिन्स एट होम, कोई मुकद्दस गाय नहीं है. तो गुज़िश्ता रोज का हमने जो एक स्टेप देखा और हमने देखा कि घर से ही सफाई का एक अमल शुरू हुआ है और अमली कदम के जरिए एक मुँह तोड़ जवाब दिया गया है. हमारी हुकूमत जो अब तक इन ढाई हफ्तों के दौरान यही डिसाइड नहीं कर सकी कि जुडिशल कमीशन बनेगा या पार्लियामानी कमीशन बनेगा, ऑपोजिशन को किस तरह से कुछ किया जाए और कौन इसकी सरबराही करेगा, बहरहाल मामला अब यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जा रहा है. आपको याद होगा कि खत ना लिखने पर एक वजीर आजम भी घर जा चुके हैं. आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये हमारे मुल्क में जो एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हुकूमत है, इसमें जो टोन स्टैब्लिश हो रही है वो हमारी, उसमें लीड हमें जमहूरी हुकूमत क्यों नहीं लेती हुई नजर आ रही. आज डिस्कशन में शामिल हमारे से स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, सीनियर दिफाई तजिया कर रहे हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जनरल साहब. और उनके साथ तशरीफ रखते हैं रमेश कुमार जी, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रमेश जी. हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सलीम बुखारी साहब, नीज नो इंट्रोडक्शन, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार और एडिटर द नेशन. अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बुखारी साहब. सेम हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. बुखारी साहब बड़ा क्रिटिकल, मेरा सलाम दीजिए. जरूर आपका सलाम कर भी मेरे असासे बाहर नहीं है. कल भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असासों की जो फहरिस्त जारी हुई थी उसमें भी यह था कि वज़ीर आज़म बाहर कुछ ओन नहीं करते, कोई एसेट उनका बाहर नहीं है. बहरहाल जनरल साहब, ये जो हमेशा से कहा जाता है कि जी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में एक एहतसाब का अमल होता है, डिसिप्लिन, हमेशा उसकी तमाम चीज़ों की बात की जाती है और एहतसाब हो रहा होता है, लेकिन कभी मंजर आम पे इस तरह नहीं आता जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा है. क्यों ये सिचुएशन इस तरह की डेवलप हुई और क्यों ऐसा करना पड़ा जनरल राहिल शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है ये 6-7 लाख आदमी, उसमें ऑफिसर तो थोड़े होते हैं लेकिन बेसिकली जवान आपके मुख्तलिफ तबके से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ माशरे से निकले हुए, उनको कंट्रोल करना, उनको एक मशीन की तरह इकट्ठे चलाना और उनका डिसिप्लिन ऐसा रखना कि उनसे हर तरह का आप हुक्म मनवा सकें, उसके लिए बड़े कड़े कड़े कवानीन और सख्त डिसिप्लिन की ज़रूरत है. कवानीन होना अपनी जगह पे, लेकिन कवानीन का लागू करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो बड़ा ज़रूरी है. और वो ना हो तो ये आर्मी और ये इतना बड़ा हजूम, इसको आप एक ऑर्गेनाइज शक्ल में रख के कंट्रोल कर नहीं सकते. चुनाचे आपने कवानीन सख्त बनाए हुए हैं और एप्लीकेशन उसकी बड़ी आसान रखी हुई है. चुनाचे फ़ौज में सज़ा देना निस्बतन बहुत ही आसान है. तभी आपने देखा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाने थे तो 21वीं तरमीम के लिए कितना रोना रोया गया, क्योंकि लोग इससे डर जाते हैं कि ये तो बड़ी जल्दी हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगी चीज़. अब इसमें चीज़ ये है कि एहतसाब का अमल सारा वक्त जारी रहता है, उसमें मॉरल टर्पिट्यूड हो, किसी ने कोई गैर अखलाकी काम किया है, बाहर से शिकायत आ जाती हैं कई दफ़ा, जिस इलाके का कोई रहने वाला है, आदमी छुट्टी गया, उसने वहाँ हरकत की, वहाँ से किसी ने चिट्ठी लिख दी कि जी यहाँ ये हुआ है, तब भी उसकी इंक्वायरी खुल जाती है. और अगर किसी ने पैसे का काम किया है, कोई गड़बड़ किया, या इवन आपकी नेग्लिजेंस हुई है जहाँ पे कि आपकी वजह से कोई नुकसान हो गया है या आपका कोई आदमी मारा गया है, वो भी इसी तरह एहतसाब के ज़मरे में आ जाता है. ठीक है, अब ज़रूरत ये है कि हमेशा हुआ, आज क्यों आपने ऐलान कर दिया? अब ऐलान करना इसलिए ज़रूरी हुआ कि
आर्मी चीफ ने जब दो दिन पहले एक बड़ी अच्छी कौम के फायदे की बात की कि हमने तो जो कुछ करना था किया, एक जंग लड़ी, कुर्बानियां दी और एक अमन की हालत कायम की टेररिज्म से निजात हासिल करने के लिए, लेकिन अगर आपने इससे मुस्तकिल बुनियादों पे फ़ायदा लेना है कि ये अमन जो है वो देर पा रहे, तो फिर आपको करप्शन को भी ख़त्म करना और अक्रॉस द बोर्ड। और इसमें इससे पहले उन्होंने एक दो और चीज़ें भी कही थी, जैसे गवर्नेंस के इश्यूज उन्होंने कहे थे, ये चीज़ें बड़ी रेलेवेंट हैं। अब इसका बजाय इसके कि बुरा मनाया जाए, अगर ये कोई कह दे तो मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँगा कि मुझे एक भलाई का रास्ता किसी ने दिखाया है, उस पर अमल किया जाए, लेकिन यहाँ ये होता है कि हम उसके खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर देते। चुनाचे पिछले दो दिनों में टेलीविजन पे और अखबारात और इधर उधर जो बहस हुई उसमें उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी ये इनको कहना नहीं चाहिए था, ये कहने का मतलब क्या है, ये पानामा लीक के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं, वो मुकद्दस गाय नहीं, अगर करना था तो अपने घर में करते पहले, ठीक है। चुनाचे जो हो रहा था उसको आज मंजरे आम पे ला के रख दिया, ये नहीं कि ये कोई नया काम हुआ है। तो ये जवाब दिया गया है रमेश जी। एक कंसर्न जो पनामा लीक्स के बाद शो किया जा रहा था वो ये था, और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि दिस टू शैल पास, ये भी इससे इस बोरान से भी निकल जाएंगे। अभी जो कल की जो मूव देखी गई है और कल की जो इतनी बड़ी खबर थी, इसके बाद हुकूमत पे प्रेशर था जिसकी वजह से फौरन डिसाइड हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को जी खत लिख देंगे, हमें अपोजिशन को मनाना है हर हालत में। ठीक है, पहली चीज़ मेरे ख्याल में कल एक दो चैनल के ऊपर जो है वो आपने देखा भी होगा कि किसी ने कहा कि इमरान खान की कोई पार्टी का मेंबर था, उसने कहा कि चौधरी निसार और इमरान खान का जो डिस्कशन हुआ प्लान के अंदर, वहाँ पे भी इस हवाले से तकरीबन कंसेंसस था। मेन बात ये है कि ये नहीं था कि हम जुडिशल अपना चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखने के लिए जो है वो राज़ी नहीं थे या क्या। जब भी कोई ऐसा मैटर होता है तो हमेशा जुडिशल इंक्वायरी जो होती है, जुडिशल कमीशन जब भी बनती है तो रिटायर्ड जजों या हाजिर जजों, मगर ज़्यादातर रिटायर्ड जज की सरबराही में बनती आ रही है। इस मुल्क की जो तरक्की हो रही है उस दरअसल ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस चीज़ों को ज़्यादा इशू जो बना रही हैं, जो इशू बना रही हैं, मैं समझता हूँ वो सिर्फ डरती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में जो मुल्क जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है तो आगे उनको अपने लिए अंधेरा नजर आता है। सिर्फ वजह यह है, आज पनामा लीक्स का ठीक है, मैं समझता हूं कि इंटरनेशनली जो है वो लीक आउट हुई है चीजें, अगर वो चीज लीक आउट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कौम को, जिस कौम ने इतनी बड़ी मैंडेट के साथ उनको इलेक्ट किया, उसी कौम को आके खिताब में कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी कराता हूं, मेरे बच्चे आके उसके सामने पेश होंगे, ठीक सर। एक रेजिस्टेंस थी ना जिसकी वजह से ज्यादा एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। मेरी बात सुनिए, जुडिशल मगर यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग में ये बात उनको करनी करनी थी। अगर प्राइम मिनिस्टर पहले दिन ये हाजिर चीफ जस्टिस को लेटर की लिखते ना बात, तब भी इनको कोई ना कोई टीओआर के ऊपर बात आ जाती। मैं समझता हूँ आज जो टाइम है, बाकी जो आप समझे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है ये अनाउंस पब्लिकली हुआ है, आर्मी के अंदर पहले भी एड साहब होता रहा है, ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, पहले भी हो अमजद साहब को ज्यादा पता है, पहले भी होता रहा है पब्लिकली। कल ये अनाउंस हुई है एक चीज के बाबा ये इन्होंने इस किस्म का ये हुआ है, मगर ऐसी आप प्राइम मिनिस्टर तबीयत खराब है इतने दिनों से नहीं गए तो यहाँ पे तबसरे शुरू हो गए कि भाई वो आएंगे नहीं, भाई क्यों नहीं आएंगे, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इस मुल्क के, इस मुल्क को इसकी जरूरत है तो क्यों नहीं आएंगे। इस तरीके की बातें करना, आवाम को गुमराह करना, इस वजह से ही हमने फैसला किया कि आज दोबारा खिताब करके, दोबारा खिताब करके आवाम को बताएं कि इस तरीके से आप ऐसी इमेच्योर बातों में आप गुमराह नहीं हो। आपने जिस मैंडेट के साथ हमें भेजा है, हमें इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकोनॉमिकली बेहतर करने के लिए, ये बेहतर होता कि ढाई हफ्ते पहले हो जाता है, करप्शन को खत्म करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, पावर क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके ऊपर 2018 तक पूरा हमें अमल करना है, वो हम करेंगे। और आज इस तरक्की की राह में, तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं बन रहा। अगर वजीर आजम ये कहते हैं कि मेरा दामन साफ है, बुखारी साहब वजीर आजम बार बार इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि जी मेरा दामन साफ है और मेरे साथ जो है वो मुझे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस हैं जो मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर दामन साफ है अकाउंटेबिलिटी के लिए क्यों नहीं अपने आप को पेश कर दिया गया। एक लीड लेने की बात थी, हमें क्यों लीड कोई और लेते हुए नजर आए या एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आए, आपको तो लीड लेना चाहिए था। क्या कहेंगे और किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को? पहली बात तो यह है कि
हमारे सियासतदान और हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी नाकामी की या उनकी तबाही की वजह ये रही है कि वो कहते कुछ थे करते कुछ थे। ये जो कॉल ऑफ फेल का तसाद है ये हमारे नेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा डायलेमा है। इसलिए जो बात अभी मुकेश साहब ने की, अगर प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंस थे जो कि मुझे यकीन है कि हैं कि उनका दामन साफ है, तो फिर तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन्हें ये कहना चाहिए था कि हम चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं कि वो एक जुडिशल कमीशन बना दें और मैं अपने बच्चों समेत खुद को पेश कर रहा हूँ एहतसाब के लिए। तो ये सारा जो अपोजिशन का शोर वोगा है ये सारा अपनी मौत खुद मर जाता। इसमें जो ये इतना वक्त लिया गया, इतना टाइम गेन किया गया, उसकी वजह से गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें हमेशा ये कहा जाता रहा है कि लोग आते हैं सर्वनाइज करते हैं मतलब कुछ नहीं होता और भाग जाते हैं, और यही कुछ सोशल मीडिया पर जनरल राहिल के बारे में कहा गया जब उनका बयान ये आया था कि जो करप्शन है इसको अब हम टॉलरेट इसलिए नहीं करेंगे कि इससे पाकिस्तान की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम जुड़ा है। तो लोगों ने खुले लफ्जों में कहा, आप सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए, कि जर्नैल जो है वो सर्वनाइज इसी तरह से करते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। लिहाजा जनरल साहब ने उसका नोटिस लेते हुए या पहले से वो डिटर्मिन थे, इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इतने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, ये एक लंबा प्रोसीजर है, उनको मौका दिया जाता है अपनी सफाई के पेश करने का। तो मैं ये समझता हूँ कम अज़ कम 6 महीने लगे होंगे इस नतीजे पर पहुँचने के लिए कि एक लेफ्टिनेंट जनरल विच इज़ द हाइएस्ट रैंक इन आर्मी, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ अलीना, ये इतना आसान फैसला नहीं था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर्स, इनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। और अगर आपने फुटेज देखी है पिछली जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी तो माहौल बहुत टेंस था। मेरे ख्याल से इस फैसले पर सब ने इत्तफाक किया, तभी इसको पब्लिक किया गया है। इसको एक प्रेसिडेंट एक अच्छे मॉडल के तौर पर लेना चाहिए, और हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि जो तकरीर करने वाले हैं अब से कुछ वक्त के बाद, उन्हें ये चाहिए कि ज़ीरो हो जाएगी फॉर करप्शन, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट ने कोई सबक नहीं सीखा है, उनके यहाँ पॉलिटिकल विजडम की कमी है। बुखारी साहब, मैं ब्रेक से पहले वो जो सिविल मिलिट्री बैलेंस की बात कही थी, मैं उस पर सवाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो मैंने हवाला एक चीज का दिया कि हमें हर सिचुएशन में फौज तलब करना पड़ रही होती है, चाहे वो छोटू गैंग से एनकाउंटर उसका हो, उससे बैटल करना हो, या फिर हमें कंट्रोल करना हो, क्या हमारी वो जो रिलायंस थी दैट हैज टर्न इनटू डिपेंडेंसी? बिल्कुल, आपको मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, बहुत अहम सवाल है आपका और सारा कुछ इस सवाल के जवाब में छुपा हुआ है। देखिए, जहाँ हुकूमतें फेल होती हैं, जहाँ हुकूमतों की अंदरूनी मसलतें उन्हें मजबूर करती हैं एक्शन ना लेने पर, वहाँ फिर ये अपने ऊपर से मलबा उतार के फौज के गले डालने के लिए उसको बुला लेते हैं। कराची का मसला फौज ने खराब नहीं किया, ना किसी गैर मुल्की फौजी ने खराब किया है, सियासतदानों ने खराब किया था। MQM पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है, आपको आपके सामने है सूरत हाल, लेकिन उससे निजात दिलाने के लिए रेंजर को बुला लें, फौज को दे दें, ये सियासतदानों की बेअमली है जिसकी वजह से फौज को मौका मिलता है कि वो अपने आईनी रोल से हटके वो रोल अदा करें, जिसकी वजह से जमहूरी हुकूमतें जो है उनको मलिया मेट हो जाए। बुखारी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, देखें, आप अग्री नहीं कर रहे, ब्रेक लेनी है आपको? नहीं नहीं, अभी ब्रेक का देखिए। एक तो मैं बुखारी साहब सीनियर हैं और हमेशा बड़ा ये मुस्तद का, तो जाहिर है इसे डिफर करना भी थोड़ा दिल गुर्दे का काम है। अच्छा, मुझे अभी ब्रेक का इशारा आ गया, ब्रेक एक छोटी सी शामिल करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, उसके बाद इसका जवाब देंगे हमारे साथ। पहले हम बात कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, हर हुकूमत जो के पावर में होती है उसके लिए सर्वाइवल अपनी हुकूमत को जो है वो सिर्फ कंसर्न नजर आता है, अगर तमाम चीजें जो बुखारी साहब भी हाईलाइट कर रहे थे कि जी रेगुलर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, तमाम चीजें होती तो आज को हम ये बहस ना कर रहे होते। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात, जो शहीद पर गुफ्तगु हुई, अब देखें इसमें दो शख्सियात, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब मरहूम जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी दी, जब तक सुप्रीम कोर्ट से उस सज़ा को रिवर्स ना किया जाए शहीद कहना मुझे अजीब सा लगता है। मरहूम जुल्फिकार साहब भुट्टो साहब बहुत बड़ी कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवर्स ना हो, वो गए भी थे, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी गई थी उसको रिवर्स करने, लेकिन अभी तक वो केस आगे चला नहीं। लेकिन जहाँ तक बेनज़ीर भुट्टो साहब का ताल्लुक है, मैं तो उनको शहीद इसलिए समझता हूँ कि वो सियासत कर रही थी ना,
लखत बाग में उनको गोली मारी गई, उनको मार दिया गया। मुझे ये बताएं ये इख्तदार की जंग कैसे हो गई, यानी कि एक नेशनल ड्यूटी कर रही थी वो। लियाकत अली खान साहब भी जब लियाकत बाग में उनको मारा गया तो शहीद थे, वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो एक साबिका वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। देखें अगर एक फौजी या पुलिस वाला नेशनल ड्यूटी करते हुए मारा जाए तो वो शहीद होता है। एक सियासतदान अगर सियासत करते हुए एक जलसे में जाते हुए या तो सियासत को पाकिस्तान में बैन कर दें, ठीक है, जो गलत काम है वो तो सबसे ज्यादा हम तहरीक इंसाफ वाले उसके खिलाफ हैं। अगर पनामा लीक्स है, अगर करप्शन है, हर चीज पे हम खड़े, प्लीज लेट बियर मी आउट, थोड़ा सब्र से काम है। लेकिन सियासत के मैदान में अगर कोई लीडर जा रहा है, कोई उसको मार देता है, वो कैसे शहीद नहीं है? मैं समझता हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हैं। और दूसरी बात, जहां तक कि कराची ऑपरेशन का ताल्लुक है, सारा गंद देखें सियासतदानों में बहुत बड़ा गंद है, MQM पे इल्जाम हैं, रॉ से पैसे, रॉ से फंडेड प्लान वो। लेकिन एक सवाल मैं रखना चाहता हूं, MQM सबसे ज्यादा मजबूत जनरल मुशर्रफ के टाइम पे हुई, वही जनरल मुशर्रफ जो ISI का भी अफसर रहा, जो फौज का भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा, क्या उसके पास रिपोर्टें नहीं थी कि MQM क्या कर रही है? तो सारा गंद सियासतदानों पर भी ना डालें और फौज जो है अपने जिम्मे का काम कर रही है, जिसको हम सराहते हैं। कल जिस तरह जनरल राहील ने अपना एक किरदार अदा किया, जिस तरह अपने फौज से स्टार्ट लिया, तो मैं ये समझता हूं कि जहां जहां गंद है उसको साफ करें। लेकिन एक सियासतदानों को पूरा एज ए कल्चर उनको बदनाम करने के मैं इसलिए हक में नहीं हूं कि यही सियासतदान है जिनको आप रोड पर खड़ा करके उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, ना किसी फौजी को, ना किसी जज को, ना किसी DC को आप खड़ा कर सकते हैं। मैं समझता हूं जो हम में गंद है, मुझे एक मिनट के लिए इजाजत दीजिए, भाई साहब एक मिनट, जो हम में गंद है, जो हम में करप्ट है, उनको उठा के हमें बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन पूरे सियासतदानों को मैं फखर करता हूं कि मैं एक ऐसे आदमी का पोता हूं जिसने पाकिस्तान बनाया और कोई एक रुपए की करप्शन मेरे या मेरे लीडर पे आके साबित करे। क्यों मैं ये बियर करूं कि हम सियासत नहीं, जिस तरह सारे फौजी ठीक नहीं है, जिस तरह सारी फौजियों में कुछ गंद होगा, सारे इदारों को मजबूत बनाना चाहिए, में कुछ गंद होगा, जजों में कुछ गंद होगा, तो सियासतदानों में भी काली भीड़ है। सियासतदान है करप्शन के केसेस हैं, एक सियासतदान है वो NRO निगोशिएट करता है, वो सियासतदान जो है वो जाके स्विट्जरलैंड के पैसे लाता है, बिल्कुल, जिसमें 8,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हासिल करता है, जर्नलिज्म वो है ना, लेकिन अपनी करप्शन बचाने के लिए गलतियां हैं, दोनों तरफ को ठीक करना होगा, तो सही। लेकिन ये उस एक आदमी का कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप, उसको जो सियासत को इस्तेमाल कर रहा है माल जमा करने के लिए, वो इख्तदार की जंग लड़के अगर आ रहा है तो आप उसको मारे जाने पर शहीद कहेंगे? वो तो करप्शन करने के लिए अपनी अपना ओहदा ढूंढ रहा है। अलीना मेरा एक ही सिर्फ जवाब, थोड़ा सा जवाब मुझे इजाजत दीजिए। मेरे दिल में बहुत एहतराम है मोहम्मद अली साहब का, अली अहमद साहब का, और ये सच्चे हैं, ये दिल से बोलते हैं, इन्होंने अपनी हिस्ट्री जो फैमिली की बताई है वो बिल्कुल सच है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 1992 का ऑपरेशन जिसे पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया था, अगर उसको हाफ में ना छोड़ा जाता तो आज मुशर्रफ को उस दौर में कभी मौका ना मिलता कि वो इसको और स्ट्रेंथन कर सकता। 2016 के ऑपरेशन में अगर पीपल्स पार्टी और MQM की चीखें ना निकलें और उसको अंडरमाइन ना किया जाए तो नतीजे कुछ और होंगे। मेरा इशारा इस तरफ था कि जो सियासतदान इस किस्म के ऑपरेशंस में जो क्लीन करने की तरफ जा रहा होता है उसमें रुकावट बनते हैं, तो वो तमाम एलिमेंट जो इस मुल्क को खा रहे हैं उनको पनपने का मौका मिलता है। मेरा इशारा इस तरफ था। मैं इसका छोटा सा देखें, जिस तरह मैं उस जमाने में भी ये बात करता था, आज भी करता हूँ, जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने आईन थोड़ा गलत काम किया तो उसकी जिम्मेदार फौज नहीं थी, वो एक शख्स का काम था, उसी तरह जिस तरह आज जनरल राहील साहब अच्छा काम करें तो हम उनको सराह रहे हैं, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ गलत कर रहे थे, उनको गलत कह रहे थे। तो अगर एक तरफ हमारे नवाज शरीफ साहब जैसे लोग हैं जिन्हें ऑफशोर अकाउंट्स बनाए हैं, तो दूसरे इमरान खान जैसे लोग भी हैं जिनका सब कुछ इधर है। सर रमेश कुमार साहब, अभी जिस तरह से आप सियासतदान कह रहे हैं, भाई असल मुजरिम और जो जनरल मुशर्रफ की बात की उनको तो बाहर जाने दे दिया, ये क्या? और अदालत जो है वो बड़ा भरमी का इजहार करिए इस बात। मैं अभी मुझे तीनों की बातें मैंने सुनी है, मैं समझता हूं क्योंकि आपको पता है कि मैं एक बहुत खुदावंद बंदा हूं, हर वक्त अल्लाह से डरने वाला हूं, लोगों को तो डर लगता नहीं है। सर प्रेशर है कि मगर मैं चीज ये है कि मैं समझता हूं इस मुल्क ने जो 68 सालों में जो सफ़र किया है ना, एक एक बंदा यहाँ पे जो ना वो रेस्पॉन्सिबल है इसका।
हर बंदे ने अपने जो एक रोल अदा करना चाहिए नहीं आर्मी ने किया है, नहीं सिविलियन ने किया है, नहीं तज़िए निगारों ने किया है, नहीं मीडिया ने किया है। जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है हम टॉक शो में भी आते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, ये भी हमें ये नहीं सोचते कि हमें भी किसी दिन कब्र में जाना है। अब मेरे इस 3 साल टेन्योर में 1100 से ज़्यादा प्रोग्राम हुए हैं, मगर किसी भी टाइम पे आप ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जहाँ पे आप मुझे वो दिखाएं कि आपने इस प्रोग्राम में ये बोला था। ऐसी चीज़ नहीं। एक तो आदमी को तमीज़ और तहमीज़ जो है वो होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हम हमेशा एक दुनिया में सबको पता है कि मुल्क जो तरक्की करते हैं वो जमहूरी तरीके से तरक्की करते हैं। आप सलीम बुखारी साहब ने बात की कि भाई दो दो मरतबा करप्शन की, आप देखो ना यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, आप जमहूरी हुकूमत को करप्शन, आप वहां पे सिस्टम बनाए ना, अगर करप्शन है वो कैसे खत्म हो, उस करप्शन को खत्म करने के लिए वो इदारे जो जमहूरी हुकूमत के नीचे काम करते हैं वो आके अपने डंडे के जोर के ऊपर आके उनकी हुकूमतें उलट देते हैं। क्या ये प्रोसेस सही है? हमें आज जो बात करनी चाहिए, हमें बात आज करनी चाहिए, हमें मिलके काम करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए। जो उनको मजबूत करें, उनको मजबूत करें। आज नैब है वहां पे कोई फाइल काम करना और मिली भगत करना, ये इसमें फर्क है। बिल्कुल नहीं, आप बात करने दें। पिछली गवर्नमेंट थी वो तेरे सारे मुल्क के अदारे तबाह हो गए, रेलवे लुट गया जी, स्टील मिल खाई गई, वो नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बेड़ा गर्क हो गया, पीआईए उजड़ गई, और हम सड़कों पे लिटाएंगे, इनके पेट फाड़ेंगे, पैसे निकालेंगे। एक पैसे का किसी ने यहां एहतसाब किया उनका? ये करप्शन बचाने वाले लोग प्रोटेक्ट करते हैं। अब वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ इस हम अभी यहाँ पे इलेक्शन हुई, प्राइम मिनिस्टर ने हलफ लिया, यहाँ पे खान साहब की तकरीरें शुरू हो गई उनके खिलाफ, एक साल पूरा धरने में चला गया। भाई इस तरीके से मुल्क के अंदर और कितने क्राइसिस हैं, हजरत के साथ कितने क्राइसिस हैं, आप वो भी देखते हैं कि हमें 2.5 सालों में कितने क्राइसिस से गुजरे। रमेश जी, राज लास्ट ईयर ISPR अपने प्रेस रिलीजेस के जरिए वो लैक ऑफ गुड गवर्नेंस करप्शन पे इशारे देता रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने खिताबात में ये बात का इशारा देते रहे कि मुल्क को इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। मगर आप देखें बार बार कहा जा रहा है, अगर आप कहें कि एक दिन में आप सिर्फ बातों की हद तक नहीं, आप अगर कहें कि एक दिन में सारा कुछ सही हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर माहौल इदारों के अंदर इतना बिगड़ा हुआ है कि उसको एक दिन में सही नहीं कर सकते, मगर अगर आप देखें कि पुराने 5 साल अभी के, आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अभी क्या कर रही है, अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कर रही है कि मुल्की हालात और करप्शन, मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, करप्शन कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन देखो करप्शन अभी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है 80% सिंध के अंदर है, 20% और सूबों में। बुखारी साहब क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट्स का हवाला दिया जाता है, करप्शन पता नहीं कहाँ से मुल्क में कम होती हुई नजर आ रही है, दिन ब दिन केसेस सामने नजर आते हैं, ये हुकूमत किस टेंजेंट पे है सर? पहली बात तो ये है कि मुकेश साहब को पूरी हुकूमत या पूरी पॉलिटिकल लॉट जो है उसको अपनी जात के पैमाने से नहीं नापना चाहिए। वो बहुत ईमानदार रहे हैं, वो ईमानदार रहे, अल्लाह करे वो ईमानदार, लेकिन ये जो कुछ पूरी दुनिया में, पूरे मीडिया में, इंटरनेशनल लीक्स में, सब कुछ में जो कहा जा रहा है, ये फरिश्तों के बारे में नहीं है या ये माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में नहीं है, ये सब लोग यहीं पर हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब किसी के ऊपर इक्तदार में इल्ज़ाम लगता है तो वो मॉडल बनता है, उसे मॉडल बन के अगर वो इस सूरत हाल को संभाल लें, अभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी संभाल लें अगर तो कोई ख़राबी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर एक की तरफ इशारा किया मुकेश साहब ने कि मीडिया को रोल अदा करना चाहिए, फलाना सब कुछ को किसी भी शऊर शख्स से आप पूछें वो आपको कहेगा कि ट्रांसपेरेंसी के एतबार से, करप्शन के एतबार से, ये सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि हुक्मरान कैसे हैं। लिहाजा मुआशरे से तो आप शिकायत खुदा के लिए कीजिए मत, मीडिया भी ठीक हो जाएगा अगर आप ठीक हैं, फौज भी ठीक हो जाएगी अगर आप ठीक हैं, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं से तो चलना है, ये पैरामिड में नहीं जाएगा ऊपर, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। जिस दिन हमने और हमारे सियासतदानों ने ये बात समझ ली है, मुआशरा ठीक हो जाएगा। सलीम साहब आपकी मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ना बढ़ाएं, मेरे पहले पहले देखे काफी पहले ही आर्मी बैठी थी, क्या वहां पे काम हुआ? बंद कर लेते जनरल लाइल शरीफ को भी हमने, हमारी च्वाइस थी ना,
میاں محمد نواز شریف کی چوائس تھی, وہ لکھتا ہے اس کے اوپر اس کی خاصت تھی اور انہوں نے اس کے اوپر اعتبار کیا اور اس نے اس اعتبار کے اوپر سوال کیا. علی محمد خان صاحب سے, عمران خان صاحب نہ جانے کیوں جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کا بیان تھا آج کا, پیپلز پارٹی بھی اب اس طرح سے سپورٹ کرتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے, اور اگر وہ ریٹریٹ کر رہی ہے, بیک ٹریک کر رہی ہے اپنے پہلے اس کے جو ایک انیشل ایک سٹرونگ اگریشن ایک سامنے آیا تھا, پی ٹی آئی کو آپ اکیلا کھڑا دیکھ رہے ہیں, واٹ ڈفرنس وڈ اٹ کریٹ؟ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سر اس کی, آئس لینڈ میں کتنے لوگ نکل آئے, برازیل میں کتنے لوگ نکل آئے, ڈیوڈ کیمرن پہ کتنے لوگوں نے پریشر کر دیا, کھڑا کر دیا. ہمارے یہاں ہماری قوم کیا ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ وہ فیصلہ اب سڑکوں پہ کرے گی اور نکلے گی اس کے لیے؟ دیکھیں, جب 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہباد دیا تو وہ دیوانے کا خواب لگا نا, اس نے کہا کہ یار پاکستان کا خواب دیا اس آدمی نے. جب 1940 میں جناح نے قرارداد لاہور پاس کرائی تو لوگوں نے کہا یار یہ واٹ از دس تھنگ. تو مجھے ایک بات بتائیں, اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا اگر ہم اکیلے رہ جاتے ہیں, ہم اکیلے نہیں ہوں گے. پاکستان کا ہر وہ بچہ اور بچی جو یہ کہتی ہے, جو سن آف سوائل یا ڈاٹر آف سوائل ہے, کہ اس ملک میں ایمانداری سے سیاست ہونی چاہیے, ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا. وی ڈونٹ کیئر اگر پیپلز پارٹی اب بیک ٹریک کرے گی, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کرے گی, کم از کم کچھ نہ کچھ وہ جائے گی, اگر جاتی ہے تو جائے, اگر ان کی سیاست وہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت رہے گی وہ بھی ختم ہو. لیکن ایک مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, حکومت کیسے چلتی ہے؟ جو ادارے ہیں ٹیکس سے چلتے ہیں نا, آپ میں جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہم جو سارے جتنی فورسز ہیں سب کچھ ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے نا. حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس دو, لیکن اگر حکومت کا سربراہ اور اس کا خاندان ٹیکس بچانے اور چرانے کے لیے آف شور کمپنیاں بنائے, تو مجھے بتائیں کوئی مورالٹی ہے, کوئی مورل گراؤنڈ رہ جاتا ہے کہ آپ پاکستانیوں سے کہتے ہو کہ بل دو یا ٹیکس دو؟ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, پہلے بھی ہے, آپ پہلے اپنی لگائی ہے تو اس کے پر مرانے کے لیے ٹائم ضرور ہے. جو اساسے کی بات میں, ایک سیکنڈ, علی محمد صاحب کی بات کے حوالے سے میں مزید مینشن کرنا چاہوں گی. جو ہم نے بیک ٹو بیک وہ جو انٹرویوز دیکھے, خود ہی وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر دیا. آپ کا پڑا ہوا ایرر مطلب کہ ابھی جو ہے وہ بہت, میں آپ سے صرف سوال, نہیں میں اس کو مینشن بھی نہیں کر رہی, وہ آپ لوگ نے بھی بہت ہم سے زیادہ بار دیکھا ہوگا وہ انٹرویوز بھی. میں آپ سے صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں سر, یہ بار اگر حسین نواز کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو, کل جو چیز سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب کو انہوں نے 21,56,00,000 بیرون ملک سے بھجوائے اپنے والد صاحب کو, ایک بھائی کہتا ہے کہ جی مجھے تو یہاں پاکستان سے ٹیوشن فی اور اپارٹمنٹ کا رینٹ آتا تھا, یہ ری راؤٹ بار بار کیوں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور اس نے کب کی بات کی ہے؟ جب وہ پڑھتا تھا. یہ ابھی کی بات ہوئی ہے ان 4 سالوں میں, پہلی بات. دوسری چیز, آف شور کمپنی کی بات جو آپ کر رہے ہیں, آف شور کمپنی یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ بھی ویسے بنتی ہیں آف شور کمپنیاں, مگر یہاں پہ حسن اور حسین کی وہاں پہ آف شور کمپنیاں ہیں. سعودی میں کمایا, لندن میں کمپنیاں بنائی, وہ ان کا ہیڈک تھا. تیسری بات, انہوں نے بات کی خواب کی. خواب آج کل میں دیکھتا ہوں, اور مجھے اپنے خواب میں کوئی آپ رات کو دیکھیں, آپ کا کوئی ایسی سیاست دیکھنے میں نہیں آتی. وہ نام نہیں بتائے, مجھے مستقبل میں, جرات نہیں ہے بتائے, میں 2018 تک میاں محمد نواز شریف کا فیچر ہی نہیں آتا ہے. لاسٹ ریمارکس, معاملہ کسی رائے میں جا رہا ہے نہیں دیکھ رہے. نہیں, میرے اسیسمنٹ تو ذاتی ہے, برے لگے بے شک, کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. مجھے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے ایک نقطے پہ متفق نظر آتے ہیں, ایک پیج پہ, اور یہ بالآخر ایک پارلیمنٹری کمیٹی سی بنے گی جو ان کو یا تو کلین چٹ دے دے گی یا لے کے لمبے وقت پہ لگی رہے گی جب تک کوئی اور دکھ نکل آئے گا, اور آپ اور میں اس پہ بحث. مگر ہم کسی کرپشن میں نہیں ہوں گے, ہم یہ نیٹ اور کلین, ہمارے اوپر داغ جو لگا ہے نا, سفید کپڑا ہے, سفید رکھیں گے, اور اس کا داغ, ہمیشہ صاف ہونے کی ضرورت ہے, اداروں کا احتساب ہونے کی ضرورت ہے. ایک ہم نے سٹیپ دیکھ لیا ان دا رائٹ ڈائریکشن, کل چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کے بڑے تانے دیے گئے, بڑا پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے تھی. حکومت اس دباؤ سے کیا اس بحران سے نکل پائے گی اور کس طرح سے اقدامات لیتی ہوئی نظر آئے گی, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.